नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि डिफेंस में जाना चाहते हैं और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि आज तक कभी भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस तरीके से वैकेंसी नहीं निकाली गई है, जिस तरीके से यहाँ पे आप सभी को एक मौका दिया जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, और ये आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जितनी बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो इससे जुड़ी जानकारी है, मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। नोटिफिकेशन वगैरह आप सभी को मिल सकता है, लेकिन बहुत सारी जानकारी ऐसी है जिसे आप मिस कर देंगे, जबकि मैं इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 5 स्टेट के लिए ये वैकेंसी होने वाली, उन सभी स्टेट के नाम आप सभी को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ और आप सभी को पूरी डिटेल यहाँ पर दूंगा, जैसे कि यूपी, बिहार, दिल्ली, MP, उत्तराखंड के लिए ये भर्ती होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है एक्स ग्रुप के लिए यहाँ पर निकाली गई है, और ये जो आपकी भर्ती होने वाली है डायरेक्ट रैली भर्ती निकाली गई है। यानी आप समझ सकते हैं जैसे इंडियन आर्मी की ओपन रैली भर्ती करवाई जाती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे रैली भर्ती निकाली गई है। अदर अदर स्टेट में निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पे यूपी, बिहार, MP जैसे स्टेट में कभी भी ऑल ओवर स्टेट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, यानी रैली भर्ती कंडक्ट नहीं करवाई जाती है। बट यहाँ पर पहली बार यूपी, बिहार, दिल्ली, MP, उत्तराखंड और पुडुचेरी के लिए, ऑल ओवर स्टेट के लिए, यानी ये अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी के आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और आप भी रैली भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी पहला जो सबसे बड़ा डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। आप यूपी, बिहार, दिल्ली, MP, उत्तराखंड और पुडुचेरी से अगर बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं अगर आप सारी कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो देखिए आप सभी को बता दें इसके जो प्री रजिस्ट्रेशन होंगे वो कब से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट होगी एप्लीकेशन की वो होगी 27 नवंबर 2020, और यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट होगी वो होगी 28 नवंबर 2020 शाम को 5 बजे एप्लीकेशन फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। यानी सबसे पहले जो आपके लिए एक ज़रूरी काम है और जो सबसे बड़ा काम है वो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना। आप मानिए जितना भर्ती में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, इतना ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए भी मेहनत की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि जब इतने स्टेट के, 5 स्टेट के सभी कैंडिडेट इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे, तो सीधी सी बात है कि इसकी वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी। इसलिए आपको बिल्कुल डिले नहीं करना है। 27 नवंबर को हो सकता है रात को 12 बजे या 1 बजे इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएं, तो आप 27 नवंबर को इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दें अगर आप इसमें फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं। तो बात करते हैं 28 नवंबर 2020 को शाम को 5 बजे एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे, तो इसी पीरियड में आप सभी को भर देना है। इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देनी है, यानी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस का झंझट नहीं है कि आपको ATM से कटवानी है चालान वगैरह, कोई लफड़ा यहाँ पर रखा नहीं गया है। एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो 10 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर 2020 के बीच में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा। सभी के यहाँ पर जो हैं एग्ज़ाम सेंटर भी बताए गए हैं। अब मैं बात करूंगा एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या होगी। तो देखिए जो भी बंदे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं 17 जनवरी 2000 से लेके 30 दिसंबर 2003 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, यानी ये डेट भी इंक्लूड है, 17 जनवरी 2000 को भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, और 30 दिसंबर 2003 को जिसका जन्म हुआ है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है। बाकी की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। वैकेंसी डिटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट होगी वो होगी ग्रुप एक्स की होगी, ट्रेड की, और यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे। अब बात करते हैं वैकेंसी एज़ पर रूल, यहाँ पे जो वैकेंसी होती हैं वो आप सभी को पता है एयरफोर्स में कभी ओपन नहीं की जाती, जितनी वैकेंसी हर बार होती हैं उसी के अकॉर्डिंग वो वैकेंसी यहाँ पर रखी जाएंगी। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप 12th पास होने चाहिए, यानी अगर आपने 12वीं पास कर रखा है या उसके कोई समक्ष, कोई आपके समकक्ष, कोई आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सब्जेक्ट की मैं बात करूँगा तो आपके पास मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, और 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, याद रखिएगा। यानी मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपके पास कंपलसरी होने चाहिए, और तीनों में कम से कम 50% मार्क्स होना कंपलसरी रखा गया है।
और बाकी के जो डिटेल हैं, अगर इनमें से भी कोई डिप्लोमा वगैरह है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का बात करें, ओनली फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल। तो यहाँ पे जितने वर अविवाहित पुरुष होंगे, यानी जो भी जिनकी शादी नहीं हुई है, वही लोग इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी का अन्य कोई भी इसके लिए एलिजिबल यानी योग्य नहीं होगा। आगे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो सेंटर है वो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स कानपुर है। दिल्ली और उत्तराखंड का जो सेंटर होगा वो न्यू दिल्ली में होगा। बिहार का जो होगा वो बेहता पटना बिहार में होगा। और वहीं पे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो सेंटर होगा वो होगा भोपाल में। हाइट की बात करते हैं तो 152.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट चाहिए। वहीं पे फिजिकल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होगी 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 10 पुशअप करने होंगे, 10 सेटअप करने होंगे और 20 स्क्वाट्स यहाँ पे आप सभी को लगाने होंगे। तो भर्ती से संबंधित जितनी और जानकारी है, जो भी एडिशनल जानकारी है, वो भी मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया कि कौन इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। कोई बाउंडेशन तो नहीं है, सारी चीज़ें आप सभी के साथ क्लियर कर दी है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और सभी लोग इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाए। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी को नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि डिफेंस में जाना चाहते हैं और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि आज तक कभी भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस तरीके से वैकेंसी नहीं निकाली गई है, जिस तरीके से यहाँ पे आप सभी को एक मौका दिया जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, और ये आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जितनी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो इससे जुड़ी जानकारी है, मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। नोटिफिकेशन वगैरह आप सभी को मिल सकता है, लेकिन बहुत सारी जानकारी ऐसी है जैसे आप मिस कर देंगे, जबकि मैं इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 5 स्टेट के लिए ये वैकेंसी होने वाली, उन सभी स्टेट के नाम आप सभी को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ और आप सभी को पूरी डिटेल यहाँ पर दूंगा। जैसे कि यूपी, बिहार, दिल्ली, एमपी, उत्तराखंड के लिए भर्ती होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है एक्स ग्रुप के लिए यहाँ पे निकाली गई है, और ये जो आपकी भर्ती होने वाली है डायरेक्ट रैली भर्ती निकाली गई है। यानी आप समझ सकते हैं जैसे इंडियन आर्मी की ओपन रैली भर्ती करवाई जाती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे रैली भर्ती निकाली गई है। अदर अदर स्टेट में निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पे यूपी, बिहार, एमपी जैसे स्टेट में कभी भी ऑल ओवर स्टेट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, यानी रैली भर्ती कंडक्ट नहीं करवाई जाती है। बट यहाँ पर पहली बार यूपी, बिहार, दिल्ली, एमपी, उत्तराखंड और पुडुचेरी के लिए